क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द एवरेज फोर्स नीडेड टू एक्सीलरेट अ कार वेइंग 500 केजी। देखिए ये कार है, कार का मास दिया है 500 केजी। फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल इसका वेलोसिटी था, ये रेस्ट में था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी था जीरो, और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो कार का एक्सीलरेशन होगा, यानी कि स्पीड बढ़ेगा, और कुछ टाइम के बाद कार का फाइनल स्पीड बनता है कितना, वही 72 किलोमीटर पर आवर, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछा है कितना फोर्स लगेगा, तो इसका स्पीड जीरो से 20 मीटर पर सेकेंड होगा थ्रू ए डिस्टेंस एस, और डिस्टेंस 25 मीटर। तो कार के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है तो कार 25 मीटर के बाद, इतना डिस्टेंस के बाद उसका स्पीड बन गया 20 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एनर्जी मेथड। हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम बता रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इजिकल इधर वर्क डन कितना होगा। अभी एफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और एफ और एस के बीच में एंगल क्या है, जीरो डिग्री, तो वर्क डन होगा एफ एस, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है जीरो डिग्री, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा यानी कि कॉस जीरो डिग्री। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना बन गया, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम, इनिशियल वेलोसिटी था यू रेस्ट में था, इज इक्वल टू फोर्स बन रहा है एफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 25 और कॉस जीरो होता है 1। ये आपका तो जीरो हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एफ। यहां से कितना एफ मिल गया, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई 50, एम का वैल्यू दिया है 500 और वी 20 का स्क्वायर बाई 50, ये आपका आया 10, ये 400 इंटू 10 4000 न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, सो कार का स्पीड जीरो से 20 मीटर पर सेकेंड होगा 25 मीटर ट्रैवल करने के बाद, ठीक है।